हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है कैपिटल गुड्स पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। अब कैपिटल गुड्स सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जिन्हें इनकम टैक्स लॉ के अंदर फिक्स्ड असेट्स बोला गया है, उन्हीं को जीएसटी लॉ के अंदर कैपिटल गुड्स बोला गया है। यानी कि जैसे कि आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब फिक्स्ड असेट्स होते हैं जो कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स बोले गए हैं। और रूल 43 ऑफ सीजीएसटी एक्ट तीन तरह के कैपिटल गुड्स डिफाइन करता है। तीन कैटेगरीज में बांटा गया है कैपिटल गुड्स को, और उन तीनों के ही आईटीसी के बारे में भी बताया गया है कि आपको कैसे शो करना है उन पर मिलने वाला आईटीसी। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल गुड्स खरीदे और उनके आईटीसी को एज अ इनपुट आपने क्लेम कर लिया। तीनों तरह के कैपिटल गुड्स के आईटीसी का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, तो वही सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे रीसेंट अपलोड्स आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कैपिटल गुड्स के बारे में कि कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। कैपिटल गुड्स आर असेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल एंड टूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। सेम डेफिनेशन है जो कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी हम देखते हैं। ऐसे फिक्स्ड असेट्स जिनका यूज करके हम बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज मेड। फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी आपके कैपिटल गुड्स एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो सेम वैसे ही रहते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ सिंगल ईयर ऑफ प्रोडक्शन। एक साल में वो खत्म नहीं होते हैं। फिक्स्ड असेट्स की लाइफ होती है 5 से 10 साल या 20 साल। अपने कैपिटल गुड्स के अमाउंट में से हम हर साल कुछ पोर्शन लेस करते जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या फिर डिप्लीशन का। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां पर कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो हमने जीएसटी का अमाउंट पे किया है, जब हमने कैपिटल असेट परचेज की, तो उस जीएसटी के अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करना है या हमें एक्सपेंस में शो करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी कैपिटल असेट परचेज किया है, मान लीजिए मशीनरी परचेज की है और उस पर आपने जीएसटी पे किया, तो अगर आप उस जीएसटी के अमाउंट को भी कैपिटलाइज कर देते हैं अपने असेट के साथ, और फिर आप उस कंसोलिडेटेड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप जीएसटी का इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जीएसटी के अमाउंट को कैपिटलाइज ना करें, सिर्फ आप जो परचेज अमाउंट है असेट का, सिर्फ उसी को कैपिटलाइज करें और अपने जीएसटी के अमाउंट का इनपुट टैक्स क्लेम कर लें। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि किन तीन तरह के कैपिटल गुड्स डिफाइन किए गए हैं रूल 43 के अंदर। कैपिटल गुड्स आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। पहला है हमारा ओनली फॉर पर्सनल यूज एंड ओनली फॉर एग्जेम्प्टेड सेल्स। वो कैपिटल गुड्स जो कि हमने परचेज किए हैं सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, या फिर हम उनको यूज करके सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट सेल के अंदर आते हैं, जैसे कि ब्रेड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा। और जो भी कैपिटल गुड्स हम परचेज करते हैं सिर्फ पर्सनल यूज या फिर एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन पर जो हम आईटीसी पे करते हैं, उसका हमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा है हमारा ओनली नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स या इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सेल्स। यानी कि जो कैपिटल गुड्स हम परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओनली टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, इसमें जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो कि हम सप्लाई करते हैं आउटसाइड इंडिया या फिर हम सप्लाई करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो हमारे जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स और जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो कैपिटल गुड्स हम परचेज करते हैं टैक्सेबल या फिर जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन पर हम पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो भी हमने उस पर इनपुट टैक्स पे किया है, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। अब जो तीसरे टाइप के हमारी कैटेगरी है कैपिटल गुड्स की, वहां पर हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यही वो टाइप है जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा समझना यहाँ पर जरूरी है। कैपिटल गुड्स यूज पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर नॉर्मल सेल्स। वो कैपिटल गुड्स जिन्हें कि हम पर्सनल और बिजनेस दोनों ही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अब उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से पर्सनल यूज के लिए हैं और ना ही पूरी तरह से टैक्सेबल सेल्स के लिए हैं। तो उसके लिए हमें
यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और हमको प्रोपोर्शनेट ITC यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसके लिए लॉ में एक फॉर्मूला भी दिया गया है और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक डिटेल एग्जाम्पल लेकर आऊंगी जिसमें कि हम थर्ड टाइप के कैपिटल गुड्स को कम्प्लीटली समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं और वो अगर मैं इस वीडियो में दे दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि हमें GSTR 3V में कैसे शो करना होगा अपने थर्ड पार्ट के कैपिटल गुड्स का। पहले दोनों तो सिंपल हैं कि फर्स्ट जो टाइप है हमारी उसमें ITC मिलना नहीं है और जो दूसरा टाइप है उसमें हम पूरा पूरा ITC क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो GSTR 3V में फोर्थ पॉइंट होता है जहाँ पर हमें एलिजिबल ITC दिखाना है, वहाँ पर आप ए पार्ट के फिफ्थ नंबर में जहाँ पर हमें ITC का अमाउंट लिखना होता है वहाँ पर आप ITC का अमाउंट लिखकर इसे क्लेम कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट है उसके लिए क्या करना है, उसमें भी हम ए पार्ट के फिफ्थ नंबर में सबसे पहले हम जितना भी हमारे पास ITC है वो पूरा पूरा अमाउंट हम लिख देंगे। मान लीजिए कि हमने मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की और उस पर 18% हमने GST दिया, तो 18,000 रुपीज़ हमारा इनपुट टैक्स हो गया। वो पूरा पूरा इनपुट टैक्स हम वहाँ पर लिख लेंगे, भले ही कि हम पार्टली उसे बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहे हैं और पार्टली हम उसे पर्सनल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, पूरा पूरा अमाउंट हम वहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और अलग कर देंगे दोनों पार्ट्स की, जितना हमारा पर्सनल यूज़ है और जितना हमारा टैक्सेबल यूज़ के लिए है, दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे और जितना भी पार्ट हमारा पर्सनल यूज़ वाला आएगा वो हमें बी वाले पार्ट में लिखकर उसको रिवर्स कर देना है। इस वीडियो में हमने समझा कैपिटल गुड्स के बारे में कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के कैपिटल गुड्स बताए गए हैं। इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं तो पूरा पूरा ITC आप क्लेम कर लेंगे। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।